घर में हम सब एक सदस्य हैं, हम सब मिलकर रहते हैं। माता पिता से झगड़ा हो तो पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं कनिका जी। हाँ, आग बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप। Hold up. अगर अक्षय कुमार जी ने किसी का ट्वीट किया तो आप उसको धमकी देंगे, और अगर अक्षय जी ने ट्वीट किया तो आप उसके ऊपर आप टिप्पणी करेंगे। कॉपी पेस्ट हुआ है, ये सबको पता है, और ये जनता डिसाइड करेगी ना। अभी नेताओं को इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। ऊपर से इस पे ये भी हुआ था कि महाराष्ट्र ने कहा कि हमें इनके ट्वीट की जांच करनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर डेमोक्रेसी। लुक, आप देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में, और आप जैसे एंकर लोग को भी ऐसे चीजों पर डिबेट नहीं करना चाहिए। रुक, तेरे को बताते, तेरी रुका, जिसको जिसपे ट्वीट करे वो करे। हाँ, मैंने पेट्रोल के दाम पे ट्वीट किया है डेफिनेटली, क्योंकि मिडिल क्लास को उसका असर होता है, और हमेशा बुद्धिजीवियों ने ही देश में कोई भी परिवर्तन पर ट्वीट किया था, बुद्धिजीवी किया है, और ये जरूरी है कि बुद्धिजीवी ट्वीट करे। अगर कोई ऐसी बात है जो ह्यूमन राइट का हनन हो या कोई बेसिक हनन हो। जी बोलिए। आपने पेट्रोल पर ट्वीट किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, सही बात है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल सही, अच्छे दिन का वादा किया गया था, बिल्कुल सही आपका सवाल। आपने इंडिया टुगेदर पर ट्वीट किया था, आपने रिहाना को आईना दिखाया था, देश की बात करी थी आपने। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा भारत देश जो है ना वो बहुत ज्यादा महान है। पूछा आपने किया था नहीं किया था, वो ज्ञान रिहाना कुछ भी बोले, किया था बस, रिहाना कुछ भी बोले, किया था नहीं किया। रिहाना ने अगर ये कहा कि मुझे, मैं क्यों स्पोर्ट में पढ़ूं भाई, आपने रिहाना ने ट्वीट किया तो मैं रिहाना की ट्वीट का जवाब दूं। आप बच गई, अपने देश के साथ आप बच गई, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी महाराष्ट्र में, आप बच गई। अक्षय कुमार ट्वीट करे या नाना पटोले जी कुछ करे, मेरे देश में जो कुछ गलत होता है मैं उसके बारे में बोलती हूँ। सबसे पहली बात, रिहाना की ट्वीट को इतना बड़ा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को जवाब ही नहीं देना चाहिए था, वो उनकी अपनी लगा देना है, चलो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। एक अच्छी चीज, लेकिन ये बातों पर ट्वीट डिस्कशन होना कि रिहाना यू नो व्हाट, हमारा देश जो है ना रिहाना से बहुत बड़ा है, और रिहाना के ट्वीट से देश में ना कोई, फिर आपने एक ट्वीट नहीं करा इंडिया टुगेदर और ना प्रधानमंत्री जी ने जाके उनकी बात सुनी, ना किसी ने उनकी बात का ध्यान दिया। नहीं, तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हमको ऐसी क्या फर्क पड़ता है, मैं बताता हूँ, फिर मैं तिवारी जी के पास जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है मैं बता देता हूँ। और इंटरनल मैटर के मामले में कनिका जी पूछ रहे हैं, आप कोई इंटरनल मैटर किसी देश का नहीं, जहाँ ह्यूमन राइट का हनन होता है वो पूरा ग्लोबल मैटर हो जाता है, ग्लोबल मैटर हो जाता है। और अच्छा, और रिहाना उनका पानी पूरा ग्लोबल मैटर हो जाता है, और रिहाना से हमको किसानी सी, अब रिहाना हमको किसानी सिखाएंगे, ग्लोबल मैटर हो जाता है, और खालिस्तानी हमको किसानी सिखाएंगे, रिहाना हमको किसानी सिखाएंगी, ग्लोबल मैटर ग्रेटा से सीखेंगे हम, ग्लोबल मैटर हो जाता है। ये कौन है, ये इनकी हैसियत है कोई, ग्रेटा रिहाना ये हमको लेक्चर देंगे? ग्लोबल मैटर कुछ नहीं मैम, इंटरनल मैटर है, किसी की हैसियत नहीं, हमारे अंदरूनी मामले में कोई बोलेगा। मैं अच्छी लगती है, इतनी हराम लगती है, इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह बोले या इस तरह, इतने बड़े देश नहीं आपके देश के, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के, आपके देश के, इतने बड़े देश के नहीं, आपके देश के, आपके प्राइम मिनिस्टर, और इन जैसों की हैसियत नहीं है इंडिया को लेक्चर दे। ये हमारे घर का मामला है, ये हमारे घर का मामला है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, मैं वो इसलिए, इलेक्शन भी तो उनके घर का मामला था, किसका मोमेंट भी तो उनके घर का मामला था, हमने बोला कि नहीं बोला? ब्लैक लाइव्स मैटर की बात कर रही है, दिस होल वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड जो है अभी श्रिंक हो गया, इट्स बिकम, इट्स अ ग्लोबल। मैं फिर वो सवाल पूछता हूँ आज जो मैं, चलिए कनिका जी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। कनिका जी, पिछली बार भी पूछा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सवाल नाना पटोले सुन लेता हूँ, सुन लीजिए आराम से। कनिका जी, कनिका जी, कनिका जी, कनिका जी, पार्टी के लीडर इस तरह, कनिका जी, कनिका जी, कनिका जी, आपने कहा ग्लोबल वर्ल्ड है, कुछ भी अंदरूनी नहीं होता। फिर मैंने आखिरी बार भी पूछा था, घर में हम सब एक सदस्य हैं, हम सब मिलकर रहते हैं। माता पिता से झगड़ा हो तो पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं कनिका जी। हाँ, आग बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप। फिर रिपीट करा मैंने ये। अगर माता पिता रोज बच्चे को पीटते हो ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। रुको जरा, सबर करो। और डोमेस्टिक वायलेंस का केस दूसरे देश में जाकर दर्ज कराएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दूसरे देश में जाकर दर्ज कराएंगे। और रिहाना पर भरोसा है आपको, मोदी पर नहीं है, आपको ग्रेटा पर भरोसा है, मोदी पर नहीं है। खत्म।